5 मीटर तो इसका सरफेस एरिया कितना हुआ 2b टाइल बताइए 6a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हां तो सरफेस एरिया 2b टाइल जिसमें टाइलिंग लगवानी है क्या हुआ 5a स्क्वायर नहीं हुआ जमीन में तो नीचे तो नहीं लगा दोगे भाई जब तुम्हारे घर के ऊपर टैंक बना है सीमेंट का उस पे टाइलिंग लगानी हां तो वो 5a स्क्वायर हुआ कि नहीं So that is 5 into 1.5. अच्छा, अब यहाँ आएगी 150 centimeter. बिना शोर के बैठ जाइए 150. Okay. So हमीद को अपने घर के ऊपर क्यूबिकल टैंक है, उसकी टाइलिंग करानी है. तो बेस पे तो नहीं कराएगा ना? ठीक है. So पहले मैंने इसको किसमें कन्वर्ट किया? सेंटीमीटर में. नाउ हाउ मच इट इज अभिषेक 115 to 150 2250 अगर 225 में 5 का मल्टीप्लाई किया जाए एनी आइडिया 112500 क्योंकि 904 पे आता है और 112500 सेंटीमीटर स्क्वायर. अच्छा, एक टाइल का एरिया कितना है जो एक टाइल इस पे लगेगी? जरा देखो, क्या 25 सेंटीमीटर की टाइल है? ऐसा है क्या? हाँ सर, सिर्फ कौन और सहबस्फीयर 13.8 करा क्यूब और क्यूबॉइड नहीं है सिलेंडर में नहीं है सारी ने तो बोला सिलेंडर में नहीं है नहीं सारे का डिलीट है क्यूब को पढ़ना है हां डिलीट है सर ने खुद ही बोला था सारा चैप्टर पढ़ा है चलो कोई बात नहीं ये क्वेश्चन कर लें नंबर ऑफ टाइल्स कितने हो जाएंगे टोटल एरिया और डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल है ना एरिया 2b टाइल जिसमें टाइलिंग करानी है और अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल तो एरिया 2b टाइल कितना है और ये बताइए मुझे एरिया ऑफ वन टाइल कितना है 25 दैट इज इक्वल टू 25 इनटू 25 625 तो नीचे क्या लिख लें 625 अब जरा देखो ऊपर नीचे 25 से कट करो 5 से पहले कट करो तो 5 1 5 5 2 10 और यहाँ करो 5 2 10 5 2 10 और 5 0 0 हुआ फिर 5 से कट करें अच्छा 25 से कट करोगे ये शिका कितना आएगा नहीं आता चलो कोई बात 5 से करो तो 2 5 आएगा अब इसको भी 5 से कट करो 4 5 0 0 अब इसको भी 5 से कट करो 5 और इसको भी 5 से कट करो और फिर 5 से कट करो तो 5 1 5 180 टाइल्स लगेंगे और एक टाइल की कीमत क्या है जरा देखो सो कॉस्ट क्या होता है रेट इनटू एरिया रेट इनटू ए नंबर ऑफ टाइल्स यहाँ एरिया से मतलब नहीं है यहाँ टाइल गिनती में मिल रही है ना तो एरिया क्यों करेंगे तो रेट क्या है बताओ 12 टाइल की कितनी कीमत है 360 तो लिखो रुपीस 360 पर 12 टाइल्स ये 12 टाइल्स की कीमत है ना अब तुम्हारी टाइल्स कितनी है 180 टाइल्स तो टाइल से टाइल कट गया अब 12 1 12 12 5 60 15 का मल्टीप्लाई करो 15 6 90 अब 15 3 45 बोलो 45 प्लस 9 54 तो कितना रुपए लग गया 5400 ठीक है सिलेंडर से आ रहा है जैसे बता रहे हैं तो सिलेंडर से हम शुरू करते हैं यानी आप तो आ गई हैं हम तो आपके लिए सर तो वहाँ से करवा दीजिए थर्ड एक्सरसाइज से थर्ड थर्ड थ्री फोर फाइव और सिक्स नहीं है नहीं है और सेवन एट आप बताओ थ्री फोर सेवन एट
हां तो वही तो बोला पार्ट सही में भी बोल ले 3 4 7 दो हमने करा दी हैं कौन की ना कौन की तो हो गई हैं तो चलो थ्री हो चुकी है थ्री हो चुकी है और आगे देखो सेवन कौन की है तो बताइए ईशान वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और हेमिस्फीयर का फार्मूला क्या होता है तो हमें स्फीयर का चाहिए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr³ 4/3 22/7 × 7 × 7 × 7 जब स्कूल में लिखना तो r इज इक्वल टू पहले 7 ऊपर लिख देना 7 सेंटीमीटर 7 से 7 कट गया 4/3 सनी 22/7 जा तुम कैलकुलेटिंग करने लगते हो 154 पूरी शिक्षा को भी आता है अब यहाँ तक बात आ गई अब हम करेंगे 7 से मल्टीप्लाई 7 4 जा 21 है तो 154 इंटू 28 और बाई 3 तो 28 का मल्टीप्लाई करो 4312 यही पीछे होगा नहीं डेसिमल में नहीं लाना डेसिमल में नहीं आएगा जब 22/7 रखोगे तो डेसिमल में आंसर नहीं निकालना ये बात ध्यान रखना और सेंटीमीटर क्यूब हो गया मिक्स फ्रैक्शन निकाल लो मिक्स फ्रैक्शन में दिया तो ठीक है से कर लीजिए 3 1 3 13 बचा 3 4 12 और 3 3 9 22 7 1 4 3 7 1 3 इसका बी पार्ट देखिए बी पार्ट कहता है कि रेडियस कितना है 0.63 ठीक है 1 4 3 3 होगा 3 4 क्योंकि 9 आ जाता तो 22 से किया अब देखो वॉल्यूम ऑफ 2 अभी तो आई है अभी से कौन बात कर रहा है पाई आर क्यूब 4/3 इंटू 22/7 इंटू 0.63 का क्यूब तो 4/3 इंटू 22/7 क्योंकि डेसिमल के बाद दो डिजिट यूज करना है अब एक होता तो 0.22 से इसको मल्टीप्लाई करो 0.03 हाँ 0.66 आया 0.66 को 4 से करो 2.6
से किया तो कितना आया बताओ, 0.66 आ गया, और 0.63 इंटू 0.63, अब उन्होंने बता दिया 2.64 आ चुका है। 2.64 को एक बार इससे करो, फिर एक बार इससे करो, मल्टीप्लाई करो। करवा लेना आप, देखो आपकी कलम बहुत कम चलती है, मैं इसी में सस्पिशियस रहता हूँ कि आप पता नहीं मन में मल्टीप्लाई कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं है। 0.1047 ऐसा नहीं आ सकता, ये 0.4 है और ये 2 है, तो 1 तो आएगा ही आएगा, 0.5 मैं करता हूं 1.04 आएगा, फिर से डेसिमल कैलकुलेट करो। 1.0478 है, तो ये मीटर क्यूब है। अच्छा बताइए अर्पिता, अगर मैं इसको 7 को ड्रॉप करता हूँ तो यहाँ क्या आएगा? 7 को ड्रॉप करेंगे तो 5, तो 0.5 मीटर क्यूब, यही पीछे आंसर है और अप्रॉक्स भी लिखा है। अब देखो इस स्फेरिकल बॉल का डायमीटर दिया हुआ है और हमें क्या करना है, सो डायमीटर दिया है, रेडियस क्या होगा, d/2, दैट इज 14 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ बॉल is 4/3 πr³, so 22/7 और r कितना है, 14 × 14 × 14 है, 7 से इसको कट करो 2 आ गया, और तो कुछ भी नहीं कट हो रहा है, तो 88 तो ये हो गया और 28 ये हो गया और 14 और by 3 14 का तो है ना, 14 है भैया, क्यूब करना पड़ेगा कि नहीं, ये क्यूब वाला चैप्टर है, वॉल्यूम है। अब फिर से करो तो किसी से किसी में मल्टीप्लाई करके बताओ, करो ये शिका किनारे उसी में कहीं पे करो, बताओ 3 7 5 अब ये चीज आ गई। नाउ पीछे जो आंसर दिया है वो फ्रैक्शन में दिया है, हम भी फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो 3 1 3 3 2 6 3 5 15 3 2 6 और 3 5 15 और 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। सेकंड करो, नाउ रेडियस क्या होता है, d/2 जो कि 0.21/2 मीटर है, सो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या हुई, फोर बाई थ्री आई आर क्यूब,
सारी वैल्यू डालती है। तो 7 से एकला का कटेगा 0.1 तो कितना आएगा 0.03। सही है, सो 0.03 सनी 3 को इससे काटो सर 0.0 सर 0.003 बहुत अच्छा 0.03 मैरून कलर की साड़ी अपना अपना हिसाब है दो टू नहीं तो 4 से कट जाएंगे 4 से कट गया 1-2 से ये कटाई ले रूं 11 से मल्टीप्लाई करो सनी इसको कर रहे हो आप बेटा 0.011 बोला जा रहा है और 0.21 और इनटू 0.21 और पिता 0.21 इनटू 0.21 सेंटीमीटर तो रेडियस इज डी बाय 2 तो 2.1 सेंटीमीटर 4/3 पाई आर क्यूब और आर कितना है 2.1 और 2.1 4/3 अब 7 से कट करो सनी इसको 0.3 से इसको कट करो सर 0.1 0.1 22 से इसका मल्टीप्लाई करो सर 22 से इसका मल्टीप्लाई सर 0.21 आप बेटा करो सर 0.1 बोलो 2.2 आया 2.2 आ गया सो 2.2 एक काम और करवाएंगे 2.1 का 2.1 से करो सर 4.41 इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो 8.8 आया और 4.41 का मल्टीप्लाई करो 4.41 फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 22/7 लिया गया है फ्रैक्शन में तो मैं अभी फिर कर दूंगा पहले इसको मल्टीप्लाई करो सर 3 हां 70 तो डेसिमल तो बताओ 7.08 अब पीछे देख लेते हैं इसको फ्रैक्शन में बदला दिया होगा नहीं
चुका था हाँ। तो अब ये थ्री नहीं बचा, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। ये मुझे बता दीजिए कि मास क्या होता है। तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, और डेंसिटी कितनी दी है यूनिट के साथ लिखो, 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिसे ना याद हो फार्मूला वो यूनिट की मदद ले सकता है कि ग्राम कैसे आएगा, उससे भी हिंट मिल जाता है। 38.808 जब आप ऐसे करोगे तभी सेंटीमीटर क्यूब कटेगा भी और तभी ग्राम आएगा। इससे पता चल जाता है कि हमें मल्टीप्लाई ही करना है। ये कट गया और ग्राम में आंसर आ जाएगा। आप लोग मल्टीप्लाई करके बताएं। हाँ सर बिल्कुल। डायमीटर ऑफ मून कितना है बताओ। तो पतले कपड़े पहन के आई हो क्या? हाँ से चाहिए। The diameter of moon is 1/4 of the diameter of earth. One fraction of volume of earth is the volume of moon. तो देखो ये बात हमने बता दी थी कि नहीं, कि देखो डायमीटर मून कितना है, 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ। बोलो ये बात सही है। और ये भी मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो रेडियस हो जाए। बोलो ये कट दिया। और ऐसा करने से क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2 क्या होता है, सो रेडियस ऑफ 1/4 आर ई हुआ, सही है। अच्छा अब आपको किस चीज का रेशो चाहिए? ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये बिल्कुल जरूर आएगा, आप ये ध्यान रखिए। ये स्टार क्वेश्चन है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम इज अर्थ 2। अब देखें कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ और वॉल्यूम ऑफ मून, तो वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 4/3 क्यूब। हाँ बोलिए। और पाई आर एन क्यूब है 4/3 पाई। 4/3 कट गया। अच्छा आर ई बाई आर एन लिखो क्यूब और बाहर क्यूब। ये मुझे बताओ आर ई कितना है? 1/4 यहाँ देख लो आर एन। आर ई कितना है? 4 आर एन है। तो आर ई की जगह क्या रख दो? 4 इसकी जगह रखो 4 आर एम बाई आर एम और फिर क्यूब लगा दो तो कितना आ जाएगा? 1/64। आप जाने हमारे में तो 64 आ रहा है। 1/64 आ गया ऊपर आर एम होना चाहिए। ये वी ई बाई वी एम है तो वी एम क्या हो जाएगा? 1/64 वी ई। तो वॉल्यूम ऑफ मून कितना है बताओ? Is 1/64th time of volume of Earth. क्या लिखोगे? Volume of Moon is 1/64. Volume of Moon is 1/64 times of volume of. मतलब पूछ रहे हैं ना कि Moon का volume कितना होगा Earth के? What fraction of
वॉल्यूम। जरा क्वेश्चन पढ़ो, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, तो 1/64 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून। आप वही लिख दो जो पूछा जा रहा है, 1/64 फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज, वही सेंटेंस लिखने की लिख लोगी, 1/64 फ्रैक्शन ऑफ, नहीं लिखा जाता है 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ अर्थ इज वॉल्यूम ऑफ मून, ऐसे नहीं हम लोग बोलते हैं। आप देखो क्या चीज, ऐसे ही आ गया था। तो अब चेक करो, 1/64th फ्रैक्शन ऑफ, 1/64th टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ, फ्रैक्शन रिवर्टेड टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ इज वॉल्यूम ऑफ मून, या वॉल्यूम ऑफ मून इज 1/64 टाइम्स ऑफ, वो हमने लिख लिया। कुछ भी लिख दो, और जो कुछ भी नहीं लिखेगा उसको भी पूरे नंबर यहां तक। अब देखो फिफ्थ, एक अर्ध गोलाकार बर्तन में दूध भरा पड़ा है, तो अब हमें चाहिए किसकी कैपेसिटी इन लीटर में। नाउ हाउ मच इज इट्स डायमीटर, सो व्हाट शुड बी इट्स रेडियस, 10.5/2। Now, volume of hemisphere, Sunny. क्या सर? क्या? का फार्मूला बताओ। 2/3 pi r। हर चीज आज आपकी ठीक हो रही है। ये चमत्कार से कम नहीं है। नहीं तो लोग तो देख के भी नहीं बता पाते हैं। कितनी बात सही है? अब देखिए, तो 2 से 2 कटा, 1 2 से ये कटा, 3 से ये कटा, तो 3 से कटेगा, धर्मेश कितना आएगा 3 से काटो, 3.5। अच्छा 7 से कटिए, 0.5। 11 से कर लेंगे तो 5.5 है, और अब हमें इनका मल्टीप्लाई करके बताना है। आप करो मल्टीप्लाई, 110.25 और 5.5 से भी मल्टीप्लाई करो, वो आएगा 606.375। इतना सेंटीमीटर क्यूब आया। क्या सृष्टि तुम ये बता सकती हो कितने ml है? ये मुझे पता नहीं, बता सकता हूं, कैलकुलेट नहीं करना, ऐसे ही कोई बता दे मुझे। 606.375 ml, जो सेंटीमीटर क्यूब है वही है ना, 606.375 ml हुआ। No, top 2 से डिवाइड करो उसको, 1.8 अच्छा, अब इसी को आप लीटर में बदलो, लीटर में 0.303, बस यही छोड़ दो, और लीटर अप्रॉक्स, बात समझ आ गई, इतना लीटर का पीछे यही है, क्योंकि 1 तो ड्रॉप हो ही जाएगा ना, 1 इसको बदल थोड़ी ना पाएगा, 1000 से डिवाइड करोगे तभी तो लीटर में बदलेगा। हाँ, 1000 से करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, दोनों बदल जाएगा। कुछ नहीं, लेकिन इतना इतनी रेल क्यों बनानी है डिजिट की, आदमी इतनी है ना, थोड़े तो अप्रोक्सीमेशन ठीक रहते हैं, जितने डिजिट यहाँ दिए रहते हैं उतने ही डिजिट होने चाहिए। अरे जरूरी है क्या? हाँ, 3 है यहाँ तो इतने भी 3 ही होने चाहिए, जितने डिजिट यहाँ है उसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो द
number of significant figures given in question should be the number of significant figures in the answers. जो जो मैक्सिमम है उतनी होनी चाहिए. ये टेंथ में पढ़ोगी लेकिन नाइन्थ में पूछा जाता है. वहाँ तीन है तो तीन में निकाल. तीन डिजिट में अगर तुम्हारा कोई है जो डेटा दिए हैं वो तीन डिजिट में तो तीन डिजिट में आंसर आना चाहिए. अब देखो अगर नीचर बदलना है तुम्हें फिर भी नहीं आता तो मैं तुम्हें तरीका बताऊं. हजार एमएल और वन नीचर. देखो ये एक अच्छा तरीका है बिल्कुल फ्रेश आया है मार्केट में. फ्रेश सनी ने उतारा है. कुछ लोग तो इसकी फैन फॉलोइंग ही सुन के जलते जा क्वेश्चन. सेंटीमीटर ठीक है. और ये बताओ इसका आउटर रेडियस क्या है. इनर रेडियस कितना है. वन मीटर कितना होता है. तो 100 सेंटीमीटर अगर इनर रेडियस है तो आउटर रेडियस देखो आर आई इसको कहेंगे इनर रेडियस. इट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस को आर ओ कह दो. आउटर रेडियस वो कितना है. अच्छा तो हमें चाहिए कि इसमें कितना लोहा लगा है. तो आउटर में से जो अंदर का हवा निकाल दो. आउटर है ना उसमें से अंदर की हवा निकाल दो. सो दैट इज द वॉल्यूम ऑफ आयरन. वॉल्यूम ऑफ आयरन क्या होगा. Is equals to volume of outer hemisphere minus volume of inner hemisphere. अब देखें that is 4/3 pi. आउटर के लिए 2/3 करना और 2/3 pi आर आई क्यूब. 2/3 pi कॉमन लो और आर ओ क्यूब में से आर आई क्यूब निकालो. 2/3 × 22/7 और 101 का क्यूब और -100 का क्यूब. अब 101 का क्यूब ईशान बताएंगे. 103 0301 ये आ गया 2 तो ये 44 आ गया ऊपर और अपॉन 21. अब ये देखो 30301 आ गया. अभी नहीं इनटू पहले बात करो पहले सिंपलीफाई करो. शायद 7 से कट ही जाए. 3 से कट जाएगा. 3 तो नहीं कट रहा. हमें तो सच ऑफ 28 23 तो 21 फिर 20 बचेगा तो दैट इज 61 कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसको मल्टीप्लाई करो. 3 3 2 4 4 3 3 2 4 4 ऐसे बोलो. 4 3 12 3 तो नहीं आएगा. नहीं आ सकता ना 44.
सेंटीमीटर क्यूब है और हमें क्या चाहिए, सो वॉल्यूम है, बस वॉल्यूम हमें निकालना है। अब अगर पीछे किस में आंसर उसी में हम लोग ले लें, मीटर क्यूब में बदल लेंगे। अच्छा तो अब हम इसको क्या करते हैं, पहले डेसीमेट करते हैं, डेसिमलाइज कर दो सर, रुको नाम करते हैं ना, कर लो सर, 6 3 4 8 7.80 7, ये सही है। अब जरा एक बात बताओ सृष्टि, एक मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब, एक मीटर क्यूब में कितने 1 मीटर क्यूब ऊपर लिखो और 1 2 3 4 5 6 ये देखो ये कट गया, और 6 डिजिट के पहले डेसिमल लगाओ, ये कितने डिजिट है, 0.06348 सही है। अब पीछे आप आंसर मिला लें, ये 0.63 है, 63 तक ही होगा, 48 है, 48 मीटर, यही तक है, नहीं किया, नहीं तो ये 7 है, इसे 49 लिख देना चाहिए, लिखा है फिर भी राउंड ऑफ नहीं किया ना, 7 से इसे 9 नहीं बना देना चाहिए, बेईमानी की है, मतलब मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम 48 है 7 ड्रॉप करती तो 9 ना हो जाता, जब 5 से ऊपर होता है तो पिछला डिजिट बढ़ नहीं जाता, तो 7 ड्रॉप करोगी तो इसे बढ़ना चाहिए था, नहीं यहाँ तक लिया ये ड्रॉप है ना, जो ड्रॉप है वो 5 से ऊपर है कि नहीं, चलो अब आप आगे देखिए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हूज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको आपसे करवाएंगे फिर हम करेंगे, चलो सेवेंथ क्वेश्चन करके दिखाइए, पेपर कहाँ चला जाता है तुम्हारा, गलत है वो छीनू है, चलिए नाउ स्टार्ट इट, अब ये आगे पीछे क्यों देख रहा हूँ, उसको स्टार्ट करो, बात नहीं करो बेटा, now find
रही हूँ, सरफेस एरिया गिवन है, तो सरफेस एरिया क्या होता है ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया 154 है, तो 4 × 22/7 और इंटू आर स्क्वायर, तो 154 × 7/4 × 22 देखो इससे इसको कट करो 11 बन जाए 11 और 11 4 जा और 2 से इसे करो तो बोलो ऊपर 7 × 7 आया तो नीचे क्या आया 2 × 2 ये आर स्क्वायर है ये बताओ 7/2 का स्क्वायर क्या है तो आर क्या हुआ 7/2 तो बताइए वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हुआ 4/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × दो दो चार से कटा और 8 × 2 किससे कटा तो 11 आ गया 8 × 7 इससे कट गया तो अब बताइए 49/3 यहाँ तक सृष्टि ने निकाला तो सही है सृष्टि का भी ठीक है अब यहाँ तक निकाल दिया आप 3 से डिवाइड करो 8 पार्ट देखें 5390 होगा ना तभी तो 2 बचेगा नहीं ये मल्टीप्लाई देखो इसका करके दिखाएं क्या मैं करके दिखाऊं हां करो ना तो फिर 2 बचेगा ही ना फिर 5 यहां देखो ना 3 बन जा 3 तो 23 37 जा 29 तो 39 जा 27 तो 2 बच गया तो 179 × 2/3 अब देखो 8th क्वेश्चन अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर ये देखो एक डोम है ऑफ बिल्डिंग का अब वो किस फॉर्म में है हेमिस्फीयर इट इज वाइट वॉश्ड और इसे हमें अंदर से क्या करना है वाइट वॉश करना तो आप इसका CSA निकाल लें CSA ऑफ हेमिस्फीयर बात ना करें हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर सॉरी तो दैट इज कॉस्ट लिया कॉस्ट से पहले निकाल लें बोलो कॉस्ट क्या होती है रेट इनटू एरिया और कॉस्ट भी है 498 लिया है आपकी बुक में क्या है 4989.69 ये तो रुपीस में है और रेट रुपीस 20 मीटर स्क्वायर इनटू एरिया सो रुपीस से रुपीस कटा और 20 नीचे ले आओ दैट इज इक्वल्स टू एरिया ठीक है लेकिन एरिया का फार्मूला बताओ कर्व्ड सरफेस एरिया का ठीक है सो इनर सरफेस एरिया ऑफ द डोम ये भी हमें निकालना है तो 20 से तुम बेटा ध्यान दो सौम्या तो दैट इज 2 से ऊपर नीचे कट करिए 2 4 9.2 9.48 क्यों लगा रहे हो अच्छा पूरा सिर्फ 2 से कट करो 9 4.8 अब 10 है तो बोलो क्या हो जाएगा 2 4 9.0 देखो 10 है कि नहीं तो एक डेसिमल और शिफ्ट कर लो तो इट इज इक्वल्स टू एरिया नाउ सी एस ए दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम 2 4 9
49.48 मीटर स्क्वायर, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देखिए, कह रहा है कि अगर सीएसए इतना है तो आपको वॉल्यूम पता करना है। सीएसए से क्या पता चलेगा? सीएसए इज इक्वल्स टू 2πr² तो 249.48 is 2 × 22/7 into r square, ठीक है? अब जरा देखें, so 249.48 into 7 और 2 × 22 is equal to r square हुआ। 2 से काटो, 1 × 4 = 0.74, फिर से 2 से काटो, 62.37 और ये 11 आ गया। अब क्या ये 11 से कट सकता है? कटना तो चाहिए, नहीं तो फिर आंसर नहीं आएगा। 11 से 62.37 कट करो, 11 × 5 = 55.7 आया, और तो 5 × 11 = 66 77, ठीक है, तो 5.67 आया। 5.67 × 7 = r². अगर मैं डेसिमल हटाऊं तो नीचे कितना हो जाए? 100। 567 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ये किससे चला जाएगा? 6, 5, 11, 7, 18, 3 से जाएगा। 3 × 1 = 3 तो 26 है, तो 3 × 8 क्या, और फिर 9, क्या ये 17 से जाता है? 17 से 3 से फिर करो, 3 × 6 = 63, फिर 3 से करो, 39.69, 3 से करो, 7 ही आया। तो बोलो क्या क्या चीजें आई हैं इसके करने से? 3 × 3 × 3 × 3 × 7 आया, और एक और 7 है, और नीचे कितना है? 100। क्या यही r स्क्वायर है? और यदि मैं ऐसे कर दूं तो जोड़े बना के बाहर निकालोगे कि नहीं? तो 1, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 7 का जोड़ा, नीचे 10, 10 × 10 है, तो 3 × 3 × 7 = यही r है, तो 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63 / 10, 63/10 is equals to r, so r is equals to 6.3 meter. अब ये meter आ गया, हमें क्या चाहिए? volume. So volume पता करें. Now इस question को भी कराऊंगा, ये बहुत important question है. Now अब देखो, so अब आपको क्या चाहिए? वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आप निकालिए, वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर इज इक्वल्स टू 2/3 πr, सो 2/3 × 22/7 और 6.3 × 6.3, 7 से 7 इसको काटो, 0.93 से कट करिए, 0.3, ठीक है, 22 से मल्टीप्लाई करो, 6.6, सो 2 × 6.6 × 6.3 × 6.3, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो, 13.2, इनको करो, हाँ तुमने बताया था 3969, क्या बताया था? 3969, अब इसको मल्टीप्लाई करो,
क्वेश्चन नंबर एट करना है और क्वेश्चन नंबर फोर्थ करना है। अलग अलग नहीं है, दोनों की जरूरी है, अलग अलग टाइम लगता है। देखो सौम्या छोटी आटे की गोली एक साथ मिला के बड़ी बना दोगे क्या तुम्हारे वॉल्यूम का लॉस होगा गोलियों का कि वही आटा रहेगा। तो इस तरीके से 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब इनटू 27 और क्या वही 4/3 पाई आर डैश क्यूब हो जाएगा सिंगल स्फीयर और ये 27 स्फीयर का वॉल्यूम वो तो सिंगल स्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा कि नहीं सब मिला दो तो बड़ा गणेश जी के लिए लड्डू बना दो। अब जैसे 4/3 कट गया तो ये बताइए कि R डैश क्या हुआ, क्या ये R क्यूब इंटू 3 क्यूब हुआ या 3R का होल क्यूब हुआ और टेकिंग क्यूब रूट अगर दोनों तरफ से हम क्या ले लें क्यूब रूट ले लो जैसे स्क्वायर रूट नहीं लेते हैं तो मतलब 1/3 की पावर लगा क्यूब रूट स्क्वायर में हाफ पावर लगती है तो उससे क्या 3R किसके इक्वल आ जाएगा R डैश सही है ऐसे कैंसिल भी किया जा सकता है लिख दिया क्यूब रूट और नहीं तो आपको ऐसे ठीक नहीं लगता तो ऐसे भी कर सकते हो कि क्यूब रूट तो 3R × 3R × 3R तो उसमें 3 के टिगड़े बनते हैं जोड़े नहीं बनते तब बाहर आता है और ये क्या है R डैश क्यूब रूट जैसे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट लेते हो अब क्यूब है तो क्या लोगे स्क्वायर हटा के उधर वो लेते हो कि नहीं तो यहाँ बताओ 3 के बन रहे हैं तो R डैश क्या होगा 3R ये पहले का आंसर है। अब जरा देखिए कि रेशियो ऑफ S टू S डैश सेकंड मतलब 3 × 1/3 हो जाएगा 3 × 1/3 फिर से बोलो यार उसकी पावर 3 × 1/3 वो है ना पूरे से ये ना हां इसको दूसरी तरीके से भी कर सकते हो 3R का क्यूब है और उसके ऊपर कितनी पावर 1 हां यही बोल रहा हूं हां तो R डैश के क्यूब पर भी कितनी पावर
ऊपर 3 इनटू और यहां पर बोलो बात समझ में आई तो 3r इज इक्वल टू r ऐसे कर लो एक ही बात है नहीं तरह तरह स्लोप करते हैं अब जरा देखें सेकंड क्या है द रेशो ऑफ s / s डैश बोलो स्फीयर का सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है 4 pi r स्क्वायर और 4 pi तो 4 pi कटा और r / r डैश लिखो और बाहर स्क्वायर लेकिन r डैश कितना है 3r तो 1/9 आ गया नाउ 10th क्वेश्चन देखें कि अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन इस स्फीयर जो कॉड फिश होती है ना तो उससे हम लोग कॉड फिश में एक ऐसा नहीं गोली आती है मेडिसिन की उसके अंदर भरा रहता है जब लीवर खराब हो जाता है कहते हैं कॉड फिश की उससे खाओ तो सही हो जाएगा लीवर तो नीचे गोलियां मिलती हैं तो वही एक स्फेरिकल कैप्सूल भी आती है ऐसे एक होती लंबी लंबी भी आती है स्फेरिकल भी आती है तो उसमें उस मछली का ऑयल भरा रहता है मछलियों में फैट बहुत होता है तो ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm बंगाली लोग मछली खाते हैं ना आपको ज्यादातर वो फैटी मिलेंगे पतले बहुत कम मिलते हैं दैट इज डी कितना है 3.5 mm तो बोलो आर कितना हुआ 3.5/2 mm और अब हमें सिर्फ इसका क्या निकालना है वॉल्यूम तो बताइए वॉल्यूम क्या हुआ 4/3 pi r³ 4/3 और आर कितना है और 3.5/2 और इनटू 3.5/2 और 2 से ये 4 कट गया और इस 2 से 11 हो गया 3 से इसको कट करो 3 से कोई चीज कट रही है कुछ भी नहीं कट रहा है कुछ नहीं कट रहा है अच्छा अब अमितेश तुम बताओ कि 11 से 3.5 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 11 से 3.5 पर से 7 से कट जाएगा 1 7 से कट रहा है तो 0.5 5.5 तो 1.75 और अपॉन 3 अब बाकी का मल्टीप्लाई करो कैरी नहीं है दो मल्टीप्लाई करो 67.375 by 3 अच्छा अब इसको 22.458 देखे कहीं से भी लोग देख भी नहीं पाते आजकल तो इससे MMQ अब सर ठीक है अप्रोक्स भी बता दो 22.46 तुम्हारी फैन फॉलोइंग जबरदस्त होने जा रही है